चौरी चौरा थाने की पुलिस ने मारपीट व धोखाधड़ी करने वाले चार अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने बताया कि चौरी चौरा थाने की पुलिस ने चार अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान प्रशांत कुमार भारती उर्फ सोनू पुत्र प्रदीप कुमार निवासी इब्राहिमपुर थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर, दूसरा रियाजुद्दीन पुत्र रहीम खान निवासी बरसैनी टोला उजरी पट्टी थाना पिपराइज गोरखपुर, तीसरा अक्षय लाल पुत्र हरि निवासी बरौली थाना पिपराइज जनपद गोरखपुर, चौथा अमित कुमार पुत्र रामदर्श निवासी इब्राहिमपुर थाना चौरी चौरा गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ चौरी चौरा ने बताया कि गैंग लीडर प्रशांत कुमार अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु आए दिन आम जनमानस से मारपीट करना व धोखाधड़ी जैसे अपराध कारित करते हैं। इस गैंग के लीडर व सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने कहा, एसएसपी महोदय द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना चौरी चौरा में एक शातिर बदमाश प्रशांत कुमार भारती और उसके गैंग के तीन अन्य सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।